पाताल भुवनेश्वर भारत में उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में गंगोली हाट से 14 किलोमीटर दूर एक चूना पत्थर गुफा मंदिर है। यह भुवनेश्वर गांव में स्थित है। किंवदंती और लोक कथाओं के अनुसार यह गुफा भगवान शिव और 33 कोटि देवताओं को विराजित करती है। यह संपूर्ण परिसर 2007 से भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा अपने कब्जे में लिया गया है। गुफा प्रवेश द्वार से 160 मीटर लंबी और 90 फीट गहरी है। मान्यता है कि यहाँ श्रद्धालुओं के एक साथ चार धाम के दर्शन होते हैं। पाताल भुवनेश्वर एक जादुई जगह है जिसके कई छिपे रहस्य हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार त्रेता युग में सबसे पहले इस गुफा को राजा ऋतुपूर्ण ने देखा था। उनकी यात्रा के बाद गुफा युगों के लिए बंद हो गई। ऐसे भी मान्यता है कि द्वापर युग में इस जगह पर पांडवों ने भगवान शिव जी के साथ चौपार खेला था। कलयुग में शंकराचार्य ने इस गुफा की खोज की थी और यहां तांबे का एक शिवलिंग स्थापित किया। कहा जाता है कि भगवान शिव ने क्रोध में जब गणेश जी का सिर धर से अलग कर दिया था तो इस मस्तक को पाताल भुवनेश्वर में रखा था। यहाँ गुफा में भगवान गणेश के कटे शिलारूपी मूर्ति के ठीक ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला शवाष्टक दल ब्रह्मा कमल के रूप की एक चट्टान है। ब्रह्मा कमल से गणेश के मस्तक पर दिव्य बूंद टपकती है। ऐसी मान्यता है कि यह ब्रह्मा कमल भगवान शिव ने ही यहाँ स्थापित किया था। इन गुफाओं में चारों युगों के प्रतीक रूप में से चार पत्थर स्थापित है। ऐसी मान्यता है कि जिस दिन कलयुग का प्रतीक पत्थर दीवार से टकरा जाएगा उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। गुफा के अंदर ही भगवान विष्णु की शिला रूप मूर्तियां हैं, जिनमें यम कुबेर वरुण लक्ष्मी गणेश और गरुड़ अंकित है। तक्षक नाग की आकृति भी गुफा में बनी चट्टानों पर दिख जाती है। गुफा में भगवान शिव की बड़ी बड़ी जटाओं वाली आकृति है। गुफा में ही काल भैरव की जीव के दर्शन होते हैं। इस गुफा मंदिर में शेषनाग के फनों की तरह ऊपरी संरचना पत्थरों पर दिखाई देती है।